नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जी हां, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को फाइनली राजस्थान सरकार ने जो है रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आपका फैसला लिया है, 10वीं और 12वीं दोनों की जो परीक्षाएँ हैं वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। क्या है पूरी न्यूज़ इस वीडियो के अंत तक जानेंगे। पूरी न्यूज़ मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को ऑलरेडी जो है रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं आप, राजस्थान की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं RBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को भी कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं दोनों को जहाँ पर रद्द कर दिया गया है। लंबे समय से चलने वाली मीटिंग में फाइनल फैसला आ गया है, कोरोना के चलते इसे रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पिछले कई दिनों से बोर्ड परीक्षाओं होगी या नहीं होगी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वही छात्रों के परिजन भी लगातार परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया है और राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, कई स्टूडेंट इससे नाराज़ भी होंगे तो कई जश्न भी मनाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक इनका वेट कर रहा था फाइनल डिसीजन का, और आज फाइनली 2 जून की मीटिंग में 10वीं और 12वीं दोनों के ऊपर फाइनल डिसीजन आ चुका है। इसके अलावा कुछ क्या नीचे है वो दिखाता। दोस्तों, आज की लंबी मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में ज़्यादातर मंत्रियों ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का सुझाव दिया और उनका कहना माना भी गया। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाओं को यहां पर रद्द कर दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसका लंबे समय तक वेट कर रहे थे। तमाम विकल्पों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा को लेकर तमाम सुझाव दिए गए हैं। इसमें परीक्षा को करवाने के लिए सुझाव दिए गए हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षाओं को यहाँ पे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तमाम सुझाव को जानने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। दोस्तों, यह न्यूज़ आपको कैसी लगी? काफ़ी स्टूडेंट इससे नाराज़ भी होंगे, काफ़ी स्टूडेंट जश्न भी मनाएंगे, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल न्यूज आ गई है वो RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। यहाँ पर आपके CBSE ने ऑलरेडी आपके 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएँ रद्द कर दी गए हैं। साथ ही दोस्तों, राजस्थान और देश भर के बाकी राज्यों में भी 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल RBSE ने तो घोषणा कर दी है पूरी तरह से कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होगी। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के स्टूडेंट अब राहत की सांस लगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे तनाव के दौरान। इस दौरान वो तनाव में भी चल रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला आ चुका है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की ऑफिशियल बड़ी न्यूज़ स्टूडेंट के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस ऑफिशियल न्यूज़ को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।